वो ग्यामर पादंग सार उसका जो डेथ नहीं होने से पहले वो अब उसका लास्ट वॉइस था, उसका लास्ट विश था, और वो जो फेसबुक में हम का जो पीएचडीसी का जो वाइस चेयरमैन है तदक नालो सार को वो पर्सनली वो रिक्वेस्ट किया था कि इसको गवर्नमेंट टेबल में पेश करो, और हम लोग को भी हम जब हम लोग मिलता था डिस्कस करता था कि उसी जगह पे जस्ट बैरन लेन है ही है, तो उसका सेक्रीफाइस को ऐसे नहीं कि वो कुछ करके जाना है, वही उसका एक संदेश था कि जो नेक्स्ट जनरेशन जो आने वाला पीढ़ी लोग एक स्टेचू को देख के एक ऑनेस्टी को एक प्रेफरेंस रख के कल को सोसाइटी को लीड कर सके। वही आप लोगों को समझना जरूरी है कि ये जो देव ऑनेस्टी इस चीज़ को क्यों मना रहा है, क्योंकि आज का दिन में जो ग्यामर पादंग जी है, आप पूरा अरुणाचल को पता है कि ही इज़ द फर्स्ट व्हिसल ब्लोअर इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो करप्शन को लेके सेल्फलेस होके इस चीज़ को ऑनेस्टी के साथ में इसको पब्लिक डोमेन में वो क्या खुलासा किया था। तो आज का दिन में जो देव ऑनेस्टी का जो सिग्निफिकेंस है, हम इसलिए इनको जता रहे हैं क्योंकि इस तरह का जो एनकरेजमेंट है, इस तरह का जो इंस्पिरेशन है, जो लेट ग्यामर पादंग सर जो किया है करप्शन के प्रैक्टिसेस को पब्लिक डोमेन में लेके आने के लिए, ये जो है अभी आगे और भी जितना करप्शन प्रैक्टिसेस कहीं डिपार्टमेंट में जहाँ भी होगा, हर किसी को इतना हिम्मत मिलेगा, इतना इंस्पिरेशन मिलेगा कि इस चीज़ को सामने लेके सबके सामने में रखें, और ऑनेस्टी के साथ में जो राइचसनेस है, उसका जो वर्चूस है ह्यूमन का, उसको आगे बढ़ाने में एक इंस्पिरेशन रखिएगा बोल के। तो इसीलिए आज हमारा लेट ग्यामर पादंग सर का डेथ एनिवर्सरी का ये पहला वो है सालगिरह है, तो उसमें हम लोग जो है इस डे को
देव ऑनेस्ट के हिसाब से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। जी नहीं, जो इशू ये देखिए, ये करप्शन का इशू है। इस चीज़ को 2 साल हो गया, आज तक ये इशू इसलिए रिजॉल्व नहीं हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पास में वो पोलिटिकल विल था ही नहीं इसको रिजॉल्व करने के लिए। तो हमारा हमारा कमिटमेंट और हमारा पूरा अरुणाचल की जनता यही चाहते थे कि ये इशू जल्द से जल्द रिजॉल्व हो जाए और एग्जामिनेशन का प्रोसेस है वो दोबारा से फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में शुरू होना चाहिए, जिसमें अकाउंटेबिलिटी भी होना चाहिए। लेकिन अभी जैसे आप बोल रहे कि इलेक्शन भी हो गया, 2 साल भी हो गए इस इशू को, अब हमारा उम्मीद क्या है? इस इशू को दोबारा से स्क्रैच से स्टार्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि हमने पिछले 2 साल में बहुत सेक्रीफाइसेस किए और यहाँ में बहुत प्रीशियस सोल है हमने गवाए हैं और यहाँ के जितना भी प्रोग्रेस है उसी प्रोग्रेस से जहाँ तक हम लोगों ने करके रखा है, यहाँ से पूरा जनता से भी हम अपील करते हैं कि आप सब लोग जो है लाइक माइंडेड पीपल लोग आगे आके करप्शन के अगेंस्ट में वॉइस करना चाहिए। और हमारा ये उम्मीद रहेगा कि नया दौर है, नया शुरुआत है और नया सरकार जो आएगा उसके ऊपर में हमारा ये रिक्वेस्ट भी रहेगा, हमारा अपील भी रहेगा और हमारा उनका तरफ से एक उम्मीद भी है कि ये जो नया सरकार बनेगा, अब जब ये सब 13 चार्टर ऑफ डिमांड्स जो है और स्टैचू ऑफ ऑनेस्टी को जो लेके एक सही मायने में एक सीरियस थॉट देके इसको रिजॉल्व करने के लिए प्रयास करेंगे अभी। तो आज एक्चुअली हम लोग यहाँ पे जो पापुनोला टू में ग्यामर पादंग लेट ग्यामर पादंग सार का रेसिडेंट पे हम लोग जो उसका फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी है उसको सेलिब्रेट करने के लिए आया है। तो आज का जो इवेंट है डेथ एनिवर्सरी का, जितना भी प्रोग्राम है ग्यामर पादंग सार का फैमिली ने इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है। तो हम लोग ऐसे गेस्ट और ऐसे फ्रेंड और ऐसे PAGC टीम हम लोग यहाँ पे साथ देने के लिए आया है। और उसके बाद में आज जितना भी टीम यहाँ पे जो नेस्का हो गया रिप्रेजेंटेटिव हिगिया वेलफेयर सोसाइटी का और जितना CBOs है, जितना स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से अपसू का है आया है, अंशु का आया है, हम सबको वेलकम करना चाहेगा कि आज जो एक पादंग का जो एटलीस्ट जो सेक्रीफाइस को जाहिर पे जाने नहीं देगा बोल के एटलीस्ट उसका साथ जो देने के फैमिली को हौसला बढ़ाने के लिए आया है। तो वैसे तो हम लोग का जो मूवमेंट है इशू बेस्ड कमेटी जो PAGC जो फॉर्मेशन किया है 13 पॉइंट्स ऑफ डिमांड और उसके बाद में जो स्टैचू ऑफ ऑनेस्टी है उसको हम लोग रखा है। तो अभी 1 साल होने को है ग्यामर पादंग सार का जो डिमाइस का और उसके बाद हम लोग का मूवमेंट का अभी 2 साल होने को है। तो जो हम लोग का डिमांड है फिर हम नेक्स्ट गवर्नमेंट जब फॉर्मेशन होगा फिर हम लोग फिर गवर्नमेंट को फिर हम लोग फिर डिमांड रखेंगे। फिर नहीं, जो PAGC है हम लोग पहले से बोला है कि PAGC ए पॉलिटिकल है, हम लोग इसको इशू बेस्ड कमेटी बनाया है, हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज बनाया नहीं है और हम लोग कभी भी हम लोग इसको इस इशू को पॉलिटिसाइज करेगा बोला नहीं। और जितना भी यहाँ पे हम लोग का ये मूवमेंट पे सोशल एक्टिविस्ट जुड़ा है और जितना भी बाकी ऑर्गेनाइजेशन वो आया है साथ दिया है, हमेशा 13 पॉइंट्स ऑफ डिमांड और जो स्टैचू ऑफ ऑनेस्टी का बारे में बात किया है तो हम लोग कभी पॉलिटिसाइज नहीं किया है। तो जो हम लोग का जो डिमांड है कोर इशू है, कोर इशू ही रहेगा, 13 पॉइंट्स ऑफ डिमांड रहेगा और उसके स्टैचू ऑफ ऑनेस्टी वही रहेगा। तो उसी डिमांड को फिर हम लोग PAGC जब नया गवर्नमेंट फॉर्मेशन होगा फिर हम लोग उसी को गवर्नमेंट टेबल पे फिर हम अप्राइज करेंगे। फिर नहीं वही है जो लोकेशन है, एक्चुअली जो 6 किलो का जो लोकेशन है वो ग्यामर पादंग सार उसका जो डेट नहीं होने से पहले वो अब उसका लास्ट वॉइस था, उसका लास्ट विश था। और वो जो फेसबुक में हम लोग का जो PAGC का जो वाइस चेयरमैन है तदक नालो सार को वो पर्सनली वो रिक्वेस्ट किया था कि इसको गवर्नमेंट टेबल में प्लेस करो। और हम लोग को भी हम जब हम लोग मिलता था डिस्कस करता था कि उसी जगह पे जस्ट बैरन लैंड है ही है तो उसका सेक्रीफाइस को ऐसे नहीं कि वो कुछ करके जाना है, वही उसका एक संदेश था कि जो नेक्स्ट जनरेशन जो आने वाला पीढ़ी लोग एक स्टैचू को देख के एक ऑनेस्टी को एक प्रेफरेंस रख के कल को सोसाइटी को लीड कर सके वही उसका होता। तो रहा जो लोकेशंस का जो बात है उसी लोकेशन पे हम लोग का मांग था, वो हम लोग का पर्सनल मांग नहीं था, पादंग का जो इच्छा था उसी को ही हम लोग का गवर्नमेंट टेबल में हम लोग रिक्वेस्ट किया था। तो शायद उसमें अगर कुछ गवर्नमेंट से कुछ कंट्रोवर्सी या कुछ उसमें जगह पे कुछ प्रॉब्लम होता है बोलने से और फैमिली वाला अगर जो बोलता है और वेल वेसर जितना भी अगर वो करता है दूसरा लोकेशन में भी वो मेरा हम लोग का इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, स्टैचू ऑनेस्टी बनने से हो गया तो पहले से भी हम लोग का ऐसे था। बट एक जगह को जो हम लोग दिखाना है कि इसमें दो बोल के दिस वॉज अवर अप्रोच, दैट वॉज अवर अप्रोच। तो अगर गवर्नमेंट कल को बोलता है कि कहीं पे भी जैसे कि APPSC ऑफिस का जो एंट्रेंस में रखेंगे या तो कहीं भी रखते हैं बोलने से हम लोग वेलकम करेंगे। ये ग्यामर पादंग का जो ये जो अधूरा छोड़ के गया है 1 साल होने जा रहा है, अभी हम इतना कहूँगा कि हम गवर्नमेंट से जो नया गवर्नमेंट फॉर्म करेगा और उन्हें
अच्छा स्टेप उठा के हम लोग को ये इसको स्टेप उठा के उसको आगे बढ़ा के हमको अच्छा ये दिला दिलाने के लिए कोशिश करेगा, बोल के हम ऐसा करता है।